नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पे। दोस्तों बैलनों की जैसा कि आपको पता है कि फेसलिफ्ट हुई थी जनवरी के महीने में, और अगर हम बात करें तो सेफ्टी के मामले में कंपनी ने भरोसा दिलाया था कि हमारी कार जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेफेस्ट होने वाली है। इन्होंने 70 से 80 किलो के आसपास अपनी वजन भी बढ़ाई थी गाड़ी की, जिससे इन्होंने कहा था कि हमारी बिल्ड क्वालिटी जो है वो पहले के कंपेयर इम्प्रूव कर जाएगी। तो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी फुटेज दिखाने वाले हैं जिसको देखने के बाद आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि क्या सच में मारुति बैलेनो की सेफ्टी बढ़ी है, क्योंकि 6 एयरबैग भी इसमें दिए गए थे। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, टाटा वर्सेस मारुति, जी हाँ, ये एक ऐसा कॉलिजन है जिसको देख के आपको सही में सरप्राइज लगेगा कि मारुति बैलेनो की क्या हालत हुई है टाटा के गाड़ी से टकराकर। जी हाँ, और इसके बाद आपके दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर आता है कि भाई मारुति वाले, तुमने जो बोला था उस पर तो कहीं से भी तुम कायम ना रह पाए हो। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेफ्टी को लेकर टाटा मोटर जितनी अग्रेसिव रहती है उतना मारुति हो नहीं पाती है। मारुति चाहे अपने इंजन को लेकर, अपने सर्विसेज को लेकर नाम कमा लेती है, लेकिन वहीं अगर बात करें तो सेफ्टी में कहीं ना कहीं मार खा जाती है। और माइलेज को लेकर आप क्या करोगे अगर आपकी जान सुरक्षित ही नहीं है तो। टाटा मोटर्स में भी ऐसा नहीं है कि जान नहीं जाती है, लेकिन कुछ हद तक आपके बचने की संभावना बढ़ जाती है। तो टाटा मोटर्स ने समाज को एक ऐसा मैसेज दिया है जिसमें वो बताना चाह रही है कि गाड़ी तो ज़रूरी है, माइलेज भी ज़रूरी है, लेकिन आपकी जान भी ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत दोस्तों।